हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज दिखा रहे हैं एयर राइफल का जो बैरल होता है, जो लूज होता है कभी कभी फायरिंग के बाद, ये क्लिप कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज मैं अपनी IHP की मॉडल 35.177 कैलिबर के राइफल के बारे में, जो लूज़ हो रही है बैरल, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरी राइफल है। जब भी मैं कुछ एक 10 एक 30 40 फायर करता था तो ये दोनों जो नट है वो लूज़ हो जाते थे और मुझे रेगुलरली इसको टाइट करना पड़ता था और मेरा एम का भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने क्या किया है, ये हार्डवेयर के शॉप में मैंने ये क्लिप लिया है। ये क्लिप है, जो क्लिप मैंने ये बैरल और ये बट को पूरा टाइट करने के लिए लगाया है। ये तो ये जो है, ये आप इसको ऐसे, मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आप ये ऐसे आता है, इसके अंदर से आप ये डाल सकते हो ऐसा, और इसको आप ऐसा पूरी तरह टाइट कर लीजिए। ये मैंने एक यूट्यूबर है फॉरेन के, उनके राइफल को मैंने ये देखा था और जिससे ये वो शूटिंग करते हैं और उनका एक्यूरेसी भी अच्छा आता है। तो इसलिए अगर आप ये लगाते हो, ये चीज़ अगर आप लगाते हो तो ये पूरा और ये एक जैसा हो जाता है, इसके ऊपर लोड नहीं आता है ये दोनों के ऊपर, और आपका फायरिंग भी अच्छा होता है। ये लगाने से आपका भी एक्यूरेसी ठीक होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो फिलहाल ये आप लगवा दीजिए और इससे आपका एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, फायरिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा, गन हिलेगा नहीं। हाँ, और ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा जुगाड़ है। आप सभी ने ट्राई करना चाहिए, जिसको जिसको ये प्रॉब्लम होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।